बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं बिलाल जुवेद है। करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो आज का व्लॉग है ज़रा वो हटके है, तकरीबन एक साल पुराना व्लॉग है जो वीडियो मैं अभी एडिट करूँगा। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, हमने अचानक ही प्रोग्राम बनाया कि हम किला दरावड़ चलते हैं, वहाँ पर कैंपिंग करते हैं, बॉनफायर करते हैं और मज़ा करते हैं। तो मैं था, अब्दुलरहमान था, यानी कि मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्त अच्छे हैं, खैर ऑफिस हैं। मैं, अब्दुलरहमान और मेरा एक दोस्त था, क्या कहते हैं, अल्लाह उसका भला करे, सैयद गिलानी नाम था उसका, साहिर गिलानी, और उसके दो दोस्त थे आगे। ठीक है, हम टोटल बंदे थे दो चार पाँच बंदे थे भाई। ठीक है, हम यहाँ से निकले, हमने हमारा प्रोग्राम सुबह निकलेंगे, शाम को करेंगे, और शाम को करने के बाद भाई हम वापस आ जाएंगे। तो हम यहाँ से निकले भाई तकरीबन 5 बजे। ठीक है, 5 बजे निकले हैं मस्ती हल्ला गुल्ला करते करते। जब हम पहुँच गए ना एन वहाँ पर भाई, भाई वहाँ पर जाके आगे से रास्ता टूटा और सब डरे हुए क्या करना है क्या नहीं करना। तो भाई हम तो चले, फिर वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर पहुँच के प्रोग्राम बनाते हैं, चलो जी भावलपुर ट्रक अड्डा चलते हैं, लारी अड्डा, पता नहीं ट्रक अड्डा, नहीं कोई और ही था। मैंने कहा यार अब इतनी दूर से आ ही गए हैं तो चलो क्या कहते हैं अब होके जाते हैं। तो जी हम चले गए, जब वो वहाँ से चले गए तो रास्ते में ना टायर की हवा कम हो गई, टायर की हवा भरवाई है, टायर की हवा चेक करवाने पर पेट्रोल वगैरह चेक करवाया, बाकी मैं बताता रहूँगा। अली अभी आप ये चेक करें कि कहाँ से हमने स्टोरी स्टार्ट की है, तो कीप इन टच। चांद जलने लगा, होती है साइड से हो जा। अच्छा अब गाना गाता हूँ। चांद जलने लगा आसमान। आप तो प्रैक्टिकल करने के लिए ऐसा खेलने का नहीं है ना, लेकिन क्रिकेट में ऐसे शेर नहीं है, तो बस हमारे भाई ट्विस्ट तब आया कि जब हम रोड के एंड में पहुंचे हैं ना, रोड के एंड में पहुंचने के बाद पता चला जी ये रोड सारा टूटा हुआ है। ठीक है, रोड टूटा हुआ था, सब डरे हुए थे, हमारे पे कोई सिक्योरिटी के लिए वेपन भी नहीं था। और आगे वेपन से रिलेटेड एक चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा। सॉरी, उस टाइम वीडियो बनाने का इतना कीड़ा नहीं था, तो वैसे वीडियो बनाते रहे जैसे बनानी थी, जब वैसे बना ली। तो अभी चलते हैं और उसे आगे दिखाते हैं कि आगे क्या हुआ। टाइट हो रही है। आपने फटी का यार खुली पसंद नहीं है ना, इतनी टाइट कहां से अब मैं पड़ गया। लेके आगे हो के तो ये ना वीरान है सारा, ये चुप कर। तो जी हम पहुंच गए थे वहां, फाइनली वहां पर तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 10-11 बज गए थे। फिर हम जगह ढूंढने में लग गए, हमारा ये माइंड था कि हम किले के अंदर जाके कैंप वगैरह, अब्दुलरहमान अपने साथ ले गया था अंगीठी, ले गए थे चावल घर से बनवा के, ले गए थे खाना पीना सब, यानी कि फुल रास्ते में से आम ले लिए थे, बोतलें वगैरह ले ली थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो जी अंदर जाने से डरे, मैं तो अब्दुलरहमान था और साहिर को में तो कोई टेंशन नहीं थी, दो बंदे थे वो डर रहे थे, कहते नहीं जाना अंदर, जिन होंगे भूत होंगे चुड़ैले होंगी भाई। हम फिर वहाँ पर ही हमने अपने कैंप वगैरह लगाए हैं, कैंप क्या वहाँ पर ही चटाई बिछाई है, और लो जी हम बारबेक्यू करना स्टार्ट हो गए। जवाब नहीं भेजा साहब, कसम से बहुत महंगी भाई आई है, बहुत समय ऐसे बंदों की जरूरत है। हाँ ऐसे बंदों की है। काम इस बंदे ने किता नहीं, खां जसार नग गया, ए भी मनहूस होवें दा होवें। इधर देखो, इधर वे इधर देख, इधर देख, इधर देख, तूने कसम उठा के तूने कोई काम किया है? हाँ। क्या काम किया है? ड्राइव करके आया हूं मैं, थक गया सदके तेरे। ला भाई ड्राइवर का काम होता है, बस रे हम जो सामान लोड करवाते हैं बॉस का, ड्राइवर कोई बिना काम करता नहीं करता ना, तो ये ड्राइवर है भाई, ड्राइव करना कितना ऊंचा काम है बता यार, थक जा। तो भाई खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर हम चहल कदमी के लिए निकल गए, इशा की नमाज पढ़ी जाके मस्जिद में, नहीं पहले हमने इशा की नमाज पढ़ी थी, उसके बाद हमने खाना वगैरह बनाया था। तो वीडियो आगे पीछे हो जाएगी,
तो जब हम मस्जिद में दाखिल हुए तो इन्होंने क्या किया, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इन्होंने भाई मुझे डरा दिया। मैं अपने मजे में जा रहा आराम सुकून से, अचानक डर गया, मेरे को पता नहीं क्या हो गया। ठीक है भाई, टाइम हो गया तकरीबन 9:07 का, और यहाँ पर सीरियसली किधर बोल रहे हैं लोमड़ियाँ डेरा तो उसके बाद भाई हमने थोड़ा सा मस्जिद का जायजा वगैरह लिया, मस्जिद अंदर से देखी, अंधेरा था, अंदर से देखी, फिर नमाज अदा की, फिर नमाज के बाद वहाँ पर मस्जिद का इमाम थे ना, वो गुफ्तगु फिर करने लग पड़े ये मस्जिद क्या है क्या नहीं वगैरह वगैरह। तो फिर हमने भाई उन्हें खाने पे दावत दी, यकीन करें भाई सराइकी लोग खाते बहुत है, माइंड ना करना बात का अगर कोई सराइकी वीडियो देख रहा हो। भाई हम लेके गए थे आम अपने साथ 5 से 6 किलो, 6 किलो आम लेके गए थे, और हम बंदे सिर्फ 5 थे, खाने वाला आम ज़्यादा कोई भी नहीं था। अच्छा यार उस जो इमाम साहब थे, इमाम साहब को आम काट काट के मैं देता गया, वो खाते रहे, बस नहीं, उन्होंने कहा कि भाई जी बस, अब वो काट में काटता गया वो खाते गए, मैं काटता गया वो खाते गए, भाई इसी तरह 3-4 किलो तो खा गए, उनके नसीब थे भाई खा लिया उन्होंने। तो बाद में फिर उनको देखी देख लोग भी आ गए, चलो एक आदमी वहाँ बैठे हुए थे, एक चावल की प्लेट दे दी, तो नहीं नहीं शुक्रिया शुक्रिया। फिर इमाम साहब ने अपने साथ एक और बंदे को बुला लिया, वो कहते नहीं है शादी में एक बंदे को बुला, पूरा टब्बर इकट्ठा करके ले था, वही साहब हुआ। चलो भाई हमें वहाँ पर ना बैठने और लेटने के लिए वहाँ पर जगह मिल गई। You know, here in this, I can't see anything else here. Everything you can see, there's a ride because we left like a 5:15 and we reached like a, what is calling, like a 8:30. Okay, Aaron, this one is a mosque. It's a Nawab mosque. Now there's no light because it's just like, everywhere is a dark. But if you can see there, this one is a mosque. We just late, like we leave like a 5:30 like this. Bas yahan par hi. We leave like a 5:30. But the time is now like a 8. So that's why I can't record anything else. But this place is so beautiful, every single thing is so nice. You can see this mosque is a, the entrance is there. This one also is an entrance. There you can do the prayer or something else. I came here like a 6 years before, but now I can't reach at the night, so after 8 we're leaving from here. But swear to God, this place is so beautiful. I can't take a picture for you. All I have this. You can see there's a mosque. It's a big mosque. Like, I really love this place. It's too big. This mosque is really too big. But I'm just scared if something is coming, but Allah is with me because it's a mosque. Allah Akbar, Holy Allah, Alhamd. This is old area. अच्छा अपन मुसैन साहब कुछ क्वेश्चन है मेरे, ये मस्जिद किस साल से बनी सी की कोई अंदाजा? मस्जिद बनी है जी 1256 शुरू हुई है, 1265 मुकम्मल हुई जी, इस वक्त इन हो गए ने पौने 200 साल। क्योंकि मैं आज तो पहले मैं हिस्ट्री की देख रहा सी, हिस्ट्री विच ए सीगा कि ये दो बंदे दे नाल तामन दे नाल बनी सी, फिर रुक गई सी कोई खिलाफत दी बिना ते, फिर जेड़ा नवाब सीगा बहावलपुर दा उन्ने फिर आके बनाई, कोई इस तरह स्टोरी है? नहीं इस तरह नहीं है, पर आले के खानदान या बादशाह किला फतह करन तो बाद ना, हां जी किला फतह करन तो बाद फिर उन्होंने ये मस्जिद बनाई, तारीख उते लिखी हुई है जी। ठीक है, नवाब बाबर खान दे दौर में, नवाब सुबह साजी दे दौर में जी जी, भाई दो शख्सियत में तारीख इस गेट उत्ते लिखी हुई है, जो सामने मस्जिद उत्ते लिखी हुई है,
यानी कि जी 80 लीटर हो जाएगी, अस जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? गेट तक तुम जा सकते हो, किले से गेट तक। फिर ये तो हिस्ट्री लिखे हैं सामने लिखी हुई थी, नहीं सामने बाहर जाओ ना। अच्छा उतर लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा एक और सवाल है कि इस टाइम इस इलाके से जाना सही है कि नहीं? नहीं, अमन सुकून है बिल्कुल। नहीं, अमन सुकून इंसानों में जरूर है जी जी, पर जिन परिंद वालों में तो बहुत सारे लोगों ने होता है कि इस टाइम में जाना पहाड़ी है, पहाड़ी से डेफ सारी गल होएगी जी जी, क्योंकि गिराना है, क्योंकि मखलूकात अल्लाह ताला ने मखलूक हर किस्म दी है, बस यार तंग वगैरह करना तंग या नहीं नहीं ऐसी कोई गल नहीं। क्या कि बंदा इस टाइम जाए जाए अमन सुकून में बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत जाने हैं जंगल है जी, अकेले जाने तुम इतने रहते हो, इतना मकाम ही होता है, क्योंकि आना सी पहले सी का तकरीबन कोई 5 बजे ना लेट हो गए, हम 8 बजे पहुंचे हैं। ते बाकी इतने पहले कुआं होता सी 2003 से जब मैं आया सी, कुआं हैगा टैंकी के तले कुआं है, ओदी बुनियादी खत्म हो गई। अच्छा यानी कि ओते टैंकी जी बनाते हैं, बना के ढक देते हैं, और रिवाज है पानी छिकण वाला। हां जी हां जी, क्योंकि जब मैं स्कूल से ट्रिप ना लाया सी आप 3-4 ही सुदो ते कुआं होता सी, आप कोई कुआं देखता सी जी जी जी, ते इथे कोई तहखाना भी हैगा जो जेड़ा कुएं दा कुएं तक नीचे जांदा कोई हैगा? नमाज पढ़ने का भाई यहाँ पर वहाँ पर ये सिस्टम था, वहाँ पर रात रात को सिर्फ इमाम मस्जिद था और कोई बंदा नहीं था नमाज पढ़ने वाला, मैं था, अब्दुलरहमान था, इमाम मस्जिद और बस हम ये 3 ही बंदे थे जो ईशा की नमाज़ पढ़े थे, और वहाँ पर कोई बाहर बंदे खुशगप्पियाँ मार रहे हैं मस्जिद में कोई नहीं था, ठीक है ना। उस रात जो नमाज़ पढ़ने का मज़ा आया ना, मैं कहता हूँ भाई बयान नहीं बंदा कर सकता। फिर हम भाई सारी रात फिर गप्पियाँ गुप्पियाँ मारते रहे हैं, तो वहाँ पर सिचुएशन क्या बनी कि आधी रात को ना एक गाड़ी आई, वो दूध ढूंढ रहे थे बच्चे के लिए, तो उन्हें बोला कि भाई यहाँ पर दूध वगैरह तो नहीं है, हम खुद यहाँ पर मुसाफिर हैं। तो बाद में एक बंदा मोटरसाइकिल पे आया, उसने आके दुकान खोली, वो समझा शायद हमने कुछ लेना है, तो हमने उससे कुछ, फिर हमने उसे चावल वगैरह दिए, कि भाई हमने कुछ नहीं लेना, चावल वगैरह खाने हैं तो आप चावल खा सकते हो। तो उसके बाद फिर उसने चावल वगैरह थोड़े से लिए, वो चला गया, तो उसके बाद बाकी बातें बाद में। Yeah, so what's up? So we try to stay, we plan to stay here tonight. So everywhere is like the dog walking and the other things. So we plan to go in the morning, once like sunrise. So we go going inside the Qila, then after the mosque, then after we going back to home, because it's not good to go like this, because the way is so like dark, no one is there, nothing else. So we're going in the morning home. So tonight we're gonna spend in Qila Darawar. Peace out. I dead ho gaye, sab baithe hue apne apne kaam mein lage hue hain. Ye jo peer jo thi subah 5 baje niklenge. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم.
اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالينا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مالك يا مولا صلي نماز فجر يا الله اپنی بہر گردن قبول منظور فرما يا الله نماز فجر دی صدق يا الله سارے صغیر کبیر گناہ معاف فرما غلطیاں کو تاہیاں در گزر فرما یا مالک مولا سارے پنج گانا اپنے در تے آمن دی توفیق عطا فرما آمین یا رب ذوالجلال عالم اسلام دی خیر فرما یا اللہ ملک پاکستان کو امن سلام دی دا گے رب یا اللہ اندرونی بیرونی خطرات یا اللہ محفوظ فرما یا اللہ کشمیر دے مسلماناں دی غیب تو مدد فرما اللہ غیب تو مدد فرما یا اللہ دشمنان اسلام دشمنان مسلمان کو نیست و نابود فرما یا مالک مولا جتنا جتنا مسلمان آباد ان تمام مسلمان دی عزت دی مال دی جان دی آبرو دی حفاظت فرما ربنا اغفر لی والوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة عرشه محمد وعلى اله اجمعين ماس فنش ہوئی ہے اس کے بعد پھر ہم نے وہاں پر دعا وغیرہ کی ہے دعا وغیرہ کرنے کے بعد ہم مولانا صاحب سے ملے ہیں اور بھی وہاں پر دو تین لوگ تھے جنہیں ہم رات کو ملے تھے انہیں ملنے کے بعد ہم نے مسجد میں ویڈیو بنانی شروع کر دی پکچرز وغیرہ بنانی شروع کر دی مسجد کے نا جو دوسرا انٹرنس تھا نا اس کے اوپر چمگادڑ بہت تھی بہت چمگادڑیں تھیں اور وہاں پر ایک پتھر ایسا تھا کہ وہ پتھر اور جو بادشاہ مسجد میں غالباً ذہن میں نہیں آ رہا ویڈیو میں کیا پتا ذکر ہو وہ جو ہے نا ہم نے پھر وہاں پر گئے وہ ٹھنڈا تھا پتھر تو اس کے بعد پھر ہم نے دوسری چیزیں بھی دیکھی اوکے سو دس از دراور فورٹ موسک از جسٹ لائک آور 1200 سینچریز لائک دس بیکاز وی اسٹے آل نائٹ ہول نائٹ ہیئر It's just like a big mosque. Inside the one I record the video as well. That one is there's a water source is going down. This one another area. So this one is a mosque, the Dravar Mosque. And اچھا ایک چیز تھی وہاں پر جتنی بھی وہاں پہ جو ٹائلس تھی نا سالڈ ٹائلس تھی یار سالڈ قسم کی ٹائلس تھی اور ان کے درمیان میں نا گارا لگا ہوا تھا جو مڈ نہیں جسے بولتے وہ والا تو وہ توڑ یعنی کہ دور تک دیتے تھے نا تو وہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ جدید دور کی ہیں اور وہاں پر بہت ساری جو کمرے ہیں ان کے وہاں پر انہوں نے ایسی کاریگری کی ہوئی تھی کہ وہ ہماری زبان میں کانا بولتے ہیں کانا وہ سٹک ہوتی ہے اور اس سے انہوں نے یعنی کہ ڈیزائن بنا کے اوپر کلرنگ کی ہوئی تھی پینٹنگ کی ہوئی تھی ابھی ہم یہاں پر نکلے صبح ہو گئی تھی پھر ہم ویٹ کر رہے تھے چائے کا یعنی کہ پہلے تو ہمارا کہ ذہن میں نہیں تھا ہمارے تو ذہن میں تھا شام کو آ رہا کیونکہ ترتیب غلط ہو گئی تھی یہی شرٹ میں نے پہنی ہوئی تھی اور تقریباً یہی میرا اسٹائل تھا تو کیا کہتے ہیں پھر ہم چلیں گے باہر ایکسپلور کرنے کے لیے گاڑی کے ٹائر پنکچر ہو گئے تھے اور گاڑی کا ٹائر کیا کہتے ہیں پنکچر لگوانا تھا کیونکہ وہاں پر کھڑے تھے لو جی چانک وہ تیری ٹائر پنکچر پھر اوپر سے پہلے ہم نے وہاں پر ہم اندر سے ہوتے ہوئے گئے وہاں سے ہم نے ڈھونڈا پنکچروں کی دکان وہاں سے اس کے ٹائر کے پنکچر لگوائے لڑکا گیا تھا وہاں سے موٹر سائیکل پہ وہ وہاں سے لے کے آیا تھا گاڑی کا ٹائر وہاں سے لے کے آیا تھا پھر وہاں سے وہ گاڑی میں بیٹھ کے آ گئے تھے کیونکہ اسٹیپنی تھی غالباً اور اس کا جو ٹائر تھا ٹیوب لیس تھا آئی تھنک ٹیوب لیس تھا کنفرم مجھے بھی نہیں ہے تو وہاں پر کافی دیر ہم بیٹھے رہے وہاں پر ہمیں اتنی اپرچونیٹی مل گئی تھی کل اس رات کو کہ وہاں پر ایک ڈیرا ہے وہاں پر چلے جاؤ وہاں پر نائٹ وغیرہ اسپینڈ کرو پر ہم نے ہمارا اپنا ہی شوق تھا کہ نہیں جی ہم نے نائٹ اسپینڈ کرنی ہے تو بھائی ڈیزرٹ میں کرنی ہے سر رات گرمی تھی بھائی کہتے ہیں رات وہاں پر راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں صحرا کی پر ہم جس جگہ وہاں پہ گرمی تھی
सारा दम बैठे रहे हैं। तो ये पीछे ना हमारे आलू बचे हुए थे, मैं आलू लेके गया था यहाँ से। मैंने कहा भाई अगर हम कैंपिंग करेंगे ना, सारी से बात अगर कैंप लगाएंगे तो डेजर्ट में आग वगैरह होगी, बीच में आलू डाल के खाएंगे। तो इनमें एक बंदा था, मम्मी डैडी से बच्चा था, उसे पता नहीं था कि आलू कैसे पकाते। उसने क्या किया, उसने कोयले डाल के ना सीखों में आलू चढ़ा के सीखों में आलू पकाना है। अब्दुलरहमान अगर तू मेरी वीडियो देख रहा है ना, लास्ट भी इस जगह पे कमेंट करना, तुझे भी इस चीज़ का पता है। तो आई थिंक इस वीडियो के दो पार्ट होंगे, एक पार्ट अब आएगा, एक पार्ट मैं इंशाल्लाह कल पोस्ट करूंगा। गाइस इसी के साथ आज की स्टोरी का व्लॉग करते हैं खत्म। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो नेवर गोना मिस माय वीडियो। पीस आउट, अल्लाह हाफिज, मच लव मच रिस्पेक्ट। इसके बाद इंशाल्लाह दूसरा पार्ट मैं कल पोस्ट करूंगा। बिग लव बिग रिस्पेक्ट।